बच्चों आज हम सिविक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी सिविक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेज 30। चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। अभी पार्लियामेंट क्या है? सो पार्लियामेंट आपने सुना होगा, ठीक है। पार्लियामेंट देखो, हम सबको बहुत ही गर्व है, हम डेमोक्रेसी हैं, बहुत हमको गर्व है। ये गर्व अनुभव करते हैं हम जब भी किसी को बोलते हैं कि हम इंडिया के हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फॉलो होती है। तो अभी हम तो मतलब हम सब सिटीजन्स के हिसाब से डेमोक्रेसी चलती है, तो सब चीज़ें मिलके हमें डेमोक्रेसी बनाती हैं। और ये डेमोक्रेसी हम एक्सप्रेस कहाँ कर सकते हैं? पार्लियामेंट में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से इंडियन सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराती है डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को कंट्रोल कराती है। इसीलिए हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है पार्लियामेंट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ हमारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं। पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पे हम हमारे हमारी आवाज़, जो राज्य एमपीज़ हैं उनके जरिए हम हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, ठीक है। सो पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखें यहाँ पे पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड क्यों करना है डेमोक्रेसी में। देखो, इंडिया आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई थी, तो ये बहुत ही लंबा और डिफिकल्ट स्ट्रगल था जिसमें बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों ने स्ट्रगल ज्वाइन किया था। और वो क्यों स्ट्रगल ज्वाइन कर रहे थे? सारों सबके सब इंस्पायर्ड थे फ्रीडम से, इक्वालिटी से, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सब में ये था, सबने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, कॉलोनियल रूल का मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो लोग जो थे वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डर में जीते थे और उनको बहुत सारे डिसीशंस पसंद नहीं होते थे। पर अगर वो ब्रिटिशर्स के अगर डिसीशंस को क्रिटिसाइज करते थे तो उनकी जान पे भी खतरा बन सकता था इंडियंस के। पर जो हमारा मूवमेंट आज़ादी का आंदोलन चालू हुआ उसने पूरा पासा ही पलट दिया। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब जो देशभक्त थे, वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और डिमांड्स करने लगे। 1885 की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि हमारे भाई मेंबर्स को इलेक्ट करना है। इलेक्ट मतलब आप हमको पब्लिक चुने, लेजिस्लेचर में, लॉ में पब्लिक सुने चुने, ताकि हम बजट को डिस्कस कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में थी उसने अलाउ किया। फिर आखिर उनको अलाउ करना पड़ा, ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ये जो अर्ली लेजिस्लेचर्स हैं अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। जो ये शुरू में ये जो लॉज थे, कानून थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये हमारे नेशनलिस्ट जो घड़ी घड़ी आगे आ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसकी वजह से ही थे। टू द ग्रोइंग दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट। पहले, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, किसी को वोटिंग नहीं दी जाती थी, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था डिसीजन मेकिंग में। कोई नया कोई किसी को कोई नया रूल पास करना हो तो पूछा नहीं जाता था। पर ये हमारे नेशनलिस्ट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1909 भाई अलाउ किया कि सब इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन मतलब भाई बाकायदा वोटिंग होगी, ठीक है। इससे पहले ये पॉइंट भी टिक कर लो कि 1885 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन। पेज नंबर 31 पे आप चैप्टर 1 में रीड कर रहे हो,
द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल लेफ्ट लिटेड इन द माइंड्स ऑफ दैट ऑल पर्सन इन वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट. देखो कॉलोनियल रूल जैसे था, मतलब जिस तरह से कॉलोनियल रूल, जिस तरह से अंग्रेजों का रूल था हम पे, और जैसे जैसे अलग अलग लोग जैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो मतलब ये मन में आ गया था नेशनलिस्ट के कि भाई हाँ कभी ना कभी तो इंडिया आज़ाद होगा और हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. तो जैसे इंडिया आज़ाद हुआ हम एक फ्री कंट्री होंगे, ऐसा हमारे नेशनलिस्ट ने सोचा था. तो इसका मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं कि गवर्नमेंट को जो मन पड़े वो करे. इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना है लोगों के प्रति, लोगों के नीड्स के प्रति, लोगों के डिमांड्स के प्रति. जो फ्रीडम स्ट्रगल जिस सपने के साथ देखा गया था, ये आज़ादी अभियान जिस सपने के साथ चलाया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंट इंडिया का, और इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट अबव एज ऑफ 18. आप 18 साल से ऊपर हो तो वोटिंग कर सकते हो, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. सो द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दैट इज दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. अब यहाँ देखे ये जो फोटो है, ठीक है, ये जो फोटो है, ये फोटो किसकी है? ये फोटो है एक वोटर है जो कि इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है. ये देखो ये इंस्ट्रक्शन सारे हिंदी में लिखे हुए, सब रीड कर रहा है कि कैसे ईवीएम को यूज करना है. ईवीएम क्या है? ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे वोट किया जाता है. आपके पेरेंट्स जाते होंगे, ईवीएम आपको बताएंगे. जब वो जाते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है, उसमें उनको जिस पार्टी को चुनना है उसका बटन दबाना होता है. ईवीएम सबसे पहले कब यूज हुए थे? ईवीएम्स वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शन. सबसे पहले ईवीएम 2004 में यूज हुए थे. द यूज ऑफ ईवीएम्स इन 2000 सेव्ड अराउंड 150,000 ट्रीज विच वुड हैव बीन कट टू प्रोड्यूस अबाउट 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग बैलॉट पेपर्स. पहले जब ईवीएम प्रिंटिंग, मतलब पहले ये जो ऑटोमेटिक हो गया वोटिंग सिस्टम, इससे पहले क्या होता था वोटिंग सिस्टम? इससे पहले वोटिंग सिस्टम पेजेस पे होता था, मतलब आपको तब पेजेस यूज होते थे, पेजेस पे थप्पा लगता था पेजेस. तो उसके लिए हर साल इलेक्शंस में 1.5 लाख पेड़ कट जाते थे. हर साल इलेक्शंस, मतलब जब भी इलेक्शंस होते थे, हर साल नहीं, जब भी इलेक्शंस होते थे 1.5 लाख पेड़ कटते थे, मतलब 8,000 टन पेपर वेस्ट होता था. पर जब 2004 में ईवीएम चालू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम चालू हुआ, भाई डायरेक्ट आप बस आप ऑटोमेटिक हो गया सब, मतलब उसमें पेपरलेस हो गया. तो तब से पेपर की बचत हो रही है. तो पेपर भी बच गया और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक भी करने लगे. आज ये ईवीएम टेक्निक बहुत सारे देशों में है और आज भी बहुत सारे देश अभी भी बैलॉट पेपर्स यूज करते हैं. बैलॉट पेपर मतलब पुराना तरीका वोटिंग का, उसमें पेज पे वोट किया जाता था. बाकी आजकल लेटेस्ट है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. भारत में ईवीएम सबसे पहले 2004 में यूज किया गया था. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव मतलब जब चुनाव होते हैं तो आप लोग चुनते हो कि आप है ना, अपना जो कंटेंडर है वो चुनते हो. आपको जो वोटिंग कराई जाती है उसमें आपको चुनाव करना होता है कि आपका फेवरेट कंटेंडर कौन है. सो डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है आपको क्या है? द आइडिया ऑफ कंसेंट. मतलब यहाँ पे लोगों से पूछा जाता है, हमारी जो भावनाएं हैं उनकी कदर होती है, हम अप्रूव करते हैं, हम पार्टिसिपेट. तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है. हम जो अगर हम इतना गर्व लेते हैं एक डेमोक्रेसी होने में, सो क्या क्यों गर्व लेते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें राइट टू वोट दी गई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, जिसमें हमारी डिजायर, हमारा अप्रूवल, हमारा पार्टिसिपेशन मायने रखता है. हमारा डिसीशन ही है जो एक गवर्नमेंट बनाता है. हमारा डिसीशन ही है जो डिसाइड करता है कि भाई गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी. जो
जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी की, वो इंडिविजुअल या सिटीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। किसी भी डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल या सिटीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, गवर्नमेंट और बाकी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा सिटीजन्स को, ठीक है। सो किस तरह से जो इंडिविजुअल है वो अप्रूवल देता है गवर्नमेंट को, किस तरह से इंडिविजुअल है वो अप्रूवल देता है गवर्नमेंट को, तो एक तरीका है करने का कि आप इलेक्शंस कराओ, ठीक है। जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जो एक ग्रुप है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो गवर्नमेंट बनाएगा। पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स की बनी हुई है वो कंट्रोल करेगी और गाइड करेगी गवर्नमेंट को। इस तरह से लोग अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गवर्नमेंट को बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। फिर से समझो, किस तरह से हम गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पर कैसे, तो इलेक्शंस से, ठीक है। सो इलेक्शन से किया जाता है। द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। अब क्या होता है, पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। लोग है ना अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, ठीक है। फिर देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर इसमें से एक ग्रुप ऐसा होगा इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो गवर्नमेंट बनाएगा, हम ही चुन के भेजेंगे ना। द पार्लियामेंट विच इज मेडअप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। सो अब आया पार्लियामेंट वर्ड जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, क्या है। द पार्लियामेंट विच इज मेडअप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टूगेदर। पार्लियामेंट किसकी बनी हुई है, लोगों की बनी हुई है, वो कंट्रोल करती है और गाइड करती है गवर्नमेंट को। विच इज मेडअप ऑफ रिप्रेजेंट टूगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। इसी तरह से जो लोग हैं वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर से पार्लियामेंट किसकी बनी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव्स की, उन चुने हुए लोगों की जो हमने चुने हैं, कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इसी सेंस में, इन दिस सेंस पीपल थ्रू, इसी तरह से हम लोग हमारे चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मतलब पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट किसकी बनी हुई है, उन लोगों की जिनको हम चुनते हैं, और क्योंकि हमने उनको चुना है तो वो लोग कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। तो इस तरह से हम कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को उन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है। अब यहां देखो, ये पार्लियामेंट दिखाई गई है आपकी पेज नंबर 34 पे, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। ये पार्लियामेंट बाहर से ऐसी दिखती है और ये अंदर से आप देखो बेंचेस पड़ी हुई है, ठीक है। यहां सब लोग बैठते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है हमारी इंडिया की, जिसको संसद भी कहते हैं हिंदी में, सो पार्लियामेंट जो है वो हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम लॉ मतलब लास्ट, नियम यही बनते हैं हमारे कंट्री में। जो भी नियम है, जो भी नए नए रूल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, जो भी हमें फॉलो करने, सारे रूल्स कहाँ बैठ के बनते हैं, इसी पार्लियामेंट में बैठ के बनते हैं। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा में स्ट्रेंथ होती है 245 मेंबर्स की, और राज्यसभा को जो चेयर करता है, मतलब राज्यसभा को जो एड्रेस करता है, वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा को एड्रेस करता है। और लोकसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहाँ पे 545 मेंबर्स होते हैं और ये स्पीकर द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। स्पीकर इसको एड्रेस करता है। भाई मेन पर्सन स्पीकर होता है लोकसभा का, जो सबकी प्रॉब्लम सुनता है, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है जो सबकी सुनता है, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट है बाहर का, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ये राज्यसभा है,
राज्यसभा ये देखो रेड कलर का है, सारा कारपेट वगैरह सब रेड है, लोकसभा देखो सब ब्लू है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिटिंग अरेंजमेंट सारा सेम है, सिटिंग अरेंजमेंट मेरे ख्याल से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ राज्यसभा रेड है और लोकसभा ब्लू है। यहाँ पे सारे राज्यसभा के 245 मेंबर्स बैठते हैं और यहाँ लोकसभा के 545 मेंबर्स बैठते हैं, और वो जो मेन चेयर है सेंटर चेयर, तो यहाँ पे राज्यसभा का है तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, और यहाँ मेन चेयर है लोकसभा का है तो स्पीकर, मतलब वो सुनेगा सबको, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे और वो सुनेगा, ठीक है। सो ये जो पार्लियामेंट है, ये तीनों आपने देखी, ये तीनों लाइन आपको लिखनी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है वो ही नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखनी है। पहली पॉइंट ये, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, इट हैज टू हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल विद द टोटल ऑफ 545 इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, ठीक है। अच्छा, अब पार्लियामेंट का रोल क्या है, हमारे पार्लियामेंट का रोल क्या है। अब हमने देख लिया पार्लियामेंट में भाई राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट चलाता है और लोकसभा को स्पीकर चलाता है। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब रोल ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे, तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट देखते हैं। तो देखो, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट क्रिएटेड आफ्टर 1947, ठीक है। क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 1947 में ये क्रिएट हुआ था पार्लियामेंट, और इंडियन पार्लियामेंट एक्सप्रेशन है फेथ का जो लोगों को है डेमोक्रेसी पे। पार्लियामेंट कब हुआ था क्रिएटेड, 1947 में, जब आजादी मिली थी तब पार्लियामेंट बनी थी। तो इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक दिखाने का नजरिया है, दिखाने का जरिया है लोगों का फेथ, जो लोगों का विश्वास है हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन जो लोगों का है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट चुनने का बाय कंसेंट, मतलब हमारे हम चाहते हैं तो ये होता है। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट के पास पूरे पूरे पावर्स होते हैं। पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं वो उसी तरह से होते हैं जो एक स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं। लोकसभा जो है वो एक बारी चुनी जाती है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर वे एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट में भी इलेक्शंस होते हैं। मतलब स्टेट्स में जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे भी ऐसे ही पार्लियामेंट में होते हैं। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड फॉर एवरी 5 ईयर्स, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो 545 मेंबर्स हैं, वो 5-5 साल में चुने जाते हैं। तो कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारी कंट्री है ना बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब छोटे छोटे गढ़ में। अब आपको पता है हमारा देश इतना बड़ा है, ठीक है, इतने बड़े देश में मतलब ऐसे एक जना तो इलेक्शन करा नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। एक एक जगह पे लाख, मतलब अगर एक एक स्टेट की भी बात करें तो लाखों लाखों की पॉपुलेशन है, ठीक है। सो लाखों लाखों की पॉपुलेशन है तो एक जना तो चुनाव करा नहीं पाएगा, ठीक है। सो किस तरह से होता है चुनाव, एक जना तो कर नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को चुनाव कराने दिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब छोटी छोटी जगहों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पार्लियामेंट में एक जना भेजती है अपना। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जो भी इन इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मतलब अलग अलग इस तरह से 545 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं लोकसभा के। पेज 35 पे देखें,
यहाँ पेज 35 में ये टेबल दी हुई है, इसको हम समझते हैं। मई 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, मई 2014 में, ये इसकी रिजल्ट है। मतलब कौन सी पार्टी से कितने लोग आए थे पार्लियामेंट में जीत के, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 282 मेंबर्स आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के 1 मेंबर आया था, मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया था। लोकसभा चुनाव उसको एमपी बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 44, सीपीएम के 9, नेशनल कांग्रेस पार्टी के 6, आम आदमी पार्टी के 4, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्रा कजागम के 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 34, ऑल इंडिया यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के 3। ऐसे करके पूरे देश में जब चुनाव हुए तो हर पार्टी से, देश के हर हिस्से से जो भी चुनाव हुए तो ये सब आए, टोटल 543 ये टोटल बना। पर 545 टोटल होता है, तो कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में भी होता है, ठीक है। कुछ मेंबर्स चुनने प्रेसिडेंट के भी हाथ में होते हैं, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुनता है, ठीक है। इसके बाद ये 2009 के इलेक्शंस हैं, ठीक है। ये 15 लोग मई 2009 के, इसमें भी देखो अलग अलग पार्टीज में है, ये देखो टोटल 543 हो रहा है। मतलब जो दो रहते हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। टोटल मतलब 545 होते हैं ना, तो दो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं चुनने, वो डायरेक्ट चुन सकते हैं प्रेसिडेंट बिना चुनाव के। तो ये टेबल आपको दिखा रही है 15वें लोकसभा इलेक्शंस जो 2009 में हुए थे। इन इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। यहाँ देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, 206, ठीक है। और पर वो तभी भी मेजोरिटी पार्टी नहीं बनी थी, तो उसको सरकार किसके साथ बनानी पड़ी थी, यूपीए के साथ। मतलब जीतने के लिए ना आपको 50% मेंबर चाहिए, मतलब 545 का आधा तकरीबन आपको 250 तक तो सीट्स चाहिए, 240, तो यहाँ 206 थी पर वो जीती नहीं थी। और यहाँ पे देखो भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शंस में 282 थी, तो मतलब वो क्लीन विनर थी, ठीक है। तो उसको किसी के साथ टाई अप नहीं करना पड़ा, जबकि 2004 के इलेक्शंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी थी तो ज़्यादा सीट्स 206, तो भी उसको जुड़ना पड़ा किसके साथ, यूपीए के साथ। तो यूपीए के साथ जुड़ के फिर उसके वोट्स हुए, मतलब फिर उसके सीट्स बने। तो इस तरह से मतलब इस तरह से पार्टी बनती है, सरकार बनती है, और इस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। तो जैसे ये 545 लोग चुने जाते हैं तो एमपी बन जाते हैं, और यही एमपीज मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, द पार्लियामेंट फॉलोइंग फंक्शंस। अब इलेक्शंस होते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम पार्लियामेंट को इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद पहला काम ये करना पड़ता है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स हैं उसको गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 3, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है कि एमपी किस पार्टी के हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो उसको सबसे ज्यादा एमपीज होने चाहिए। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट दे हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, 543 तो हम चुन के आते हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन, और 2 एंग्लो इंडियन कौन चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं सीधा। मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 और मोर। किसी पार्टी को जीतने के लिए 272 या उससे ज्यादा सीट्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कांग्रेस को सिर्फ 206 सीट्स थी तो वो नहीं जीती थी, जबकि यहाँ देखो भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट्स थी तो इसलिए जीत गई थी, क्योंकि 272 या उससे ज्यादा सीट्स होनी चाहिए।
The opposition in parliament is formed by all political parties that oppose the majority party formed. और जो opposition होता है, मतलब जो एक party होती है जो power में आती है और उसका opposition होता है, तो वो कौन होता है जो उस पार्टी को अपोज करता है, उसे अपोजिशन कहते हैं. लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी. ठीक है. और जो सब जो इनको अपोज करता है, उनको अपोज करने वाली पार्टी को अपोजिशन पार्टी कहा जाता है. लोकसभा का सबसे बड़ा काम क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा इज टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं. ठीक है. लॉ बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूट कराने वाले लोग. ठीक है. द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. मतलब एग्जीक्यूट कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनते हैं, जो नियम पार्लियामेंट में बनते हैं, उसे एग्जीक्यूट कराते हैं. दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन वॉट वी हैव इन माइंड वेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव वही लोग हैं जो जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब आप बोल सकते हो जो IAS हैं, IPS हैं, कलेक्टर्स हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव्स हैं. इन सबको चुना जाता है सारे नियम फॉलो कराने. ये आप देखोगे IAS, IPS हमको नियम लॉज फॉलो कराते हैं. तो कैसे? लोकसभा के अंतर्गत वो चुने जाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा में जो पार्टी जीती होती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं. प्राइम मिनिस्टर उसका लीडर होता है. फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से जो उसके जीते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर चुनता है और उसको अलग अलग काम देता है. दीज मिनिस्टर्स कैन टेक द चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस एक्सेट्रा. सो ये जो मिनिस्टर्स हैं उनको चार्ज दिया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग एरियाज का, जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, फाइनेंस हुआ. ठीक है. हम नहीं बोलते हैं कि जल मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब वाटर, ये सब क्या होता है? ये मतलब कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है. किसमें से? अपने लोकसभा मेंबर्स में से चुनता है. पहले बहुत डिफिकल्ट होता था सिंगल पार्टी का जीतना. फिर वो लोग क्या करते थे, एक या दो गवर्नमेंट मिल जाती थी और फिर वो साथ में काम करती थी, उसे कहते कोएलिशन गवर्नमेंट. अभी महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में भी कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है. ठीक है. आपको पता है कि शिवसेना है, शिवसेना महाराष्ट्र में उसका चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है चेयर पे, पर वो अकेली नहीं जीत पा रही थी तो उसने भी एलियंस किया था एक पार्टी के साथ. ठीक है. मतलब गठबंधन किया और फिर वो पावर में आई. अगर वो गठबंधन नहीं करती तो वो पावर में नहीं आती. ठीक है. सो देन दे जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोएलिशन. तो कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार. गठबंधन मतलब जब आप अकेले नहीं जीत पाते हो तो फिर अपना आप, क्योंकि क्या कितनी सीट्स चाहिए जीतने के लिए? 272 या उससे ज्यादा. तो जब 272 सीट्स नहीं होती हैं, कम होती हैं, तो आप किसी भी इतनी सारी पार्टियां किसी एक पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हो और उसके सीट्स फिर आपके प्लस हो जाते हैं और आप क्या हो जाते हो? आप हो जाते हो उसके, मतलब आपकी फिर हो जाती है कोएलिशन गवर्नमेंट. ठीक है. 36 पेज पे था ये सब. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अभी आपको इतना पता होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, इसमें इससे आपकी पॉलिटिक्स की नॉलेज स्ट्रांग होगी, ये जो पढ़ रहे हो आप. अच्छा, अब यहाँ पे दो और बिल्डिंग्स का फोटो दिया गया है. ये दो बिल्डिंग्स हैं. ठीक है. सो इन दो बिल्डिंग्स का फोटो दिया गया है. ये पेज नंबर है आपका 37. कौन सी दो बिल्डिंग्स का फोटो है ये? तो ये दो बिल्डिंग्स हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट की हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है. ठीक है. साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, ये बिल्डिंग्स बनी थी 1930 में बनी थी. ठीक है. ये बिल्डिंग 1930 में बनी थी और जो आपको लेफ्ट में फोटो दिख रही है वो साउथ ब्लॉक है. ठीक है. लेफ्ट में फोटो दिख रही है वो साउथ ब्लॉक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जिसको PMO ऑफिस भी बोलते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. यहाँ कौन कौन बैठता है? मतलब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मतलब आर्मी,
सब कुछ ठीक है, डिफेंस मतलब देश को बचाने में जितने भी है वो यहाँ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल मतलब भाई और जो फॉरेन वगैरह में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी वो मिनिस्ट्री भी यहीं बैठती है ठीक है। और यहाँ नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक में कौन बैठता है, इज द फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ कौन बैठता है, फिनेंस वाले और होम अफेयर्स मतलब जो देश के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो। द अदर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। सो बाकी जो लोग हैं बाकी अलग अलग बिल्डिंगों में बसते हैं, पर मेन ये दो बिल्डिंग्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, मिनिस्ट्री डिफेंस का और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का ऑफिस है। नॉर्थ ब्लॉक में फिनेंस का ऑफिस है, होम अफेयर्स का ऑफिस है और मतलब फिनेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस है ठीक है। तो इस तरह से है, इसको जस्ट आप टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ट इन 1930 ठीक है। द साउथ ब्लॉक हाउसेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। द नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन द राइट एंड दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली ठीक है। सो इस तरह से ये आपकी मतलब दो बिल्डिंग्स हैं न्यू दिल्ली में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अच्छा अब राज्यसभा का क्या है, सो राज्यसभा अब लोकसभा हो गया, अब राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा में स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जो इंडिया के स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। राज्यसभा अगर हाँ बोलेगी तो ही कोई लॉ पास होगा, बिल का मतलब लॉ ही हुआ, बिल का मतलब नियम। इट देयर फोर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। देखो लोकसभा कुछ लोकसभा बोलती है कि ये रूल बनाना है ठीक है, लोकसभा अगर बोलती है ये नया नियम बनाना है देश के लिए, सो वो नियम फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर राज्यसभा अगर हाँ बोलेगी तो वो आगे बढ़ेगा। तो राज्यसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, जो हमने लोकसभा के जो मेंबर्स हमने जितवाए हैं, हम लोगों ने हम रिप्रेजेंटेटिव्स ने कौन जितवाए हैं, लोकसभा के मेंबर्स, तो वो लोग मिलके क्या वो लोग मिलके राज्यसभा के लिए इलेक्शन लेते हैं ठीक है। सो देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 233 ये लोकसभा के मेंबर्स जितवाते हैं राज्यसभा के, प्लस 12 तो हो गया 245 ठीक है। और दूसरा काम क्या है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का दूसरा काम है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना। पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट कैसे चालू होती है, क्वेश्चन आवर के साथ। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जिसमें एमपीस मतलब गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे गवर्नमेंट चल रही है। पहले पहले क्वेश्चन आवर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है सारे एग्जीक्यूटिव्स को, पार्लियामेंट सबसे क्वेश्चंस करती है और गवर्नमेंट को इस अलर्ट गवर्नमेंट को बताया जाता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और लोगों की क्या क्या राय है उनको काम के लेके, वो पता लगता है। फिर हर एमपी के लिए बहुत कठिन काम होता है क्वेश्चन आवर, क्योंकि आप सरकार से ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छा रोल ऑपोजिशन पार्टीज प्ले करती है। द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। तो मतलब वो उनको बताती हैं कि आप में फॉल्ट क्या है। क्वेश्चन आवर में यही होता है भाई, उनको क्वेश्चन किया जाता है उनके काम के। तो एक घंटे का क्वेश्चन आवर्स का सेशन होता है, जिसमें जो पावर में है सरकार उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। कौन सा ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टी करेगी, क्योंकि उसकी ऑपोजिशन है
ये है हमारा पेज 37। अब पेज 38 पे देखते हैं। पेज 38 में देखें तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर कैसे होता है। यहाँ देखो एक ऐसे दिया गया है पूरा, ये पूरा लोकसभा में भाई एक जने ने क्वेश्चन किया ऑपोजिशन पार्टी ने कि भाई स्कूलों में आपने जंक फूड बैन कराया, किससे क्वेश्चन किया, कौन से मिनिस्टर से क्वेश्चन किया, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर से क्वेश्चन किया। फिर ये उसने इतना लंबा क्वेश्चन किया क्वेश्चन आवर में, तो उसने फिर आंसर दिया। ठीक है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं और फिर ऐसे आपको पता लगता है कि आपके कामों को कोई देख रहा है, फिर आप डर के मारे अच्छा काम करते हो। ठीक है, सो इस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। देखो अब यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उसको फीडबैक मिलता है और वो हमेशा एमपीज वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे गए एमपीज उसे सवाल जवाब करते हैं, इसलिए वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है। मतलब फिनेंसिस पैसे के अलावा पार्लियामेंट का अप्रूवल गवर्नमेंट के लिए भी क्रूशल है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बहुत तरीकों में से एक तरीका है जिसमें हम जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो एमपीज हैं उनका सेंट्रल रोल होता है कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। एमपी का क्या रोल होता है, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना पार्लियामेंट को। ठीक है, सो ये एक डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा काम क्या है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग, नए नए कानून बनाना, तीसरा काम है लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है पार्लियामेंट में। सो लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोग कौन है। सो पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड्स में से अलग अलग लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। जो गांव से ज्यादा, मतलब देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज, मतलब गांव